से चतुर और बुद्धिमान तेनाली तेनाली अरे हर मुश्किल पल में आसान तेनाली पल में तोला है और माशा भी तेनाली वो है कवि और कर मस्ती भी तेनाली तेरे ना 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 तेनाली मैं आ गया। The Adventures of Tenali Raman. तेनाली से भी एक कदम आगे। विजयनगरा राज्य की एक और सुंदर सुबह, जाने माने तेलुगु कवि तेनाली रामन कविता पढ़ रहे थे और नाश्ता भी कर रहे थे। फिर जब दुष्ट राक्षसी ने देखा खिला हुआ राम जी का मुख, तो उसने तुरंत सुंदरी तेनाली जाकर नया मटका ले आइए ना। लेकिन भाग्यवान, मैं तेलुगु का एक बहुत बड़ा कवि हूँ, मटका खरीदने जैसा ये छोटा सा काम तुम ही बताओ क्या मुझे शोभा देगा। आइए मेरी दुकान पे आइए, मटके खरीदिए। मेरे पास हैं बड़े मटके, छोटे मटके, मोटे मटके, पतले मटके। आइए आइए मेरी दुकान पे आइए, सभी तरह के मटके ले जाइए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे एक मिट्टी का मटका चाहिए। क्या सुंदरी ने मटका फोड़ दिया? हाँ, वो आए दिन। ये किसकी आवाज है? वो अतकुरी मौल्ला है, वो एक कविता लिख रही है श्रीमान, बहुत ही सुंदर कविता। आपको ये बात पसंद ना हो तो उसे रोक दूं? मुझे क्या करना है, छोड़ो। पर अजीब बात है कि एक कुम्हार की लड़की कविता लिख रही है, आज तक ऐसा कभी सुना नहीं। सलाहकार, बड़े मेहमान, हमेशा बढ़ती रहेगी आपकी शान। मैं तो हूँ मासूम और नादान। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कविता लिख रहा हूँ, मुझे आज प्रेरणा मिली, वो भी कविता पढ़ती हुई एक कन्या से। कमाल के शब्द थे उसके, तेनाली भी उसके शब्द सुनकर खुश हो गया था। रामन, उसने भी उस कन्या की कविता सुनी? हाँ, वो सुनकर दंग रह गए, आश्चर्य में पड़ गए, जलन हुई। हाँ। अब रचूंगा नया षड्यंत्र। कौन है वो? एक कन्या है महाराज, वो आपको अपनी कविता सुनाना चाहती है। हाँ? क्या कविता? उसे अंदर आने दो। आगे आओ बालिके। महाराज की जय हो, मैं हूँ अतुकुरी मौला, मैंने एक कविता लिखी है, अगर आप मुझे उसे दरबार में सुनाने का मौका दें तो बहुत बड़ी कृपा होगी। कविता किस बारे में है? रामायण, मेरे अपने शब्दों में। तो फिर ठीक है, आज शाम मैं उसे सुनना चाहूँगा। धन्यवाद महाराज। मजा आएगा, है ना रावण? जी हाँ महाराज, अब आगे चाहूंगा। जल गए। एक कुम्हार की बेटी जो अच्छी कविता लिख सकती है, सबसे बढ़कर ये बात कि वो तेलुगु में कविता लिख सकती है। लेकिन तुम्हारे बारे में तो कहते हैं कि तुम तेलुगु कविता के विद्वान हो। मैंने सही कहा ना रामन? लेकिन लगता है कि अब टक्कर होके रहेगी। इनमें से मैं कौन हूँ? उड़ा लो मजाक, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी तुम्हारा भी मजाक बनने वाला है। मैं उसकी कविता सुनना चाहूंगा। राजगुरु जी, मैंने अपनी कविता की नई पंक्तियाँ लिखी हैं। सलाहकार, बड़े महान, जब भी आप चलते हैं, जरा रुकिए। मुझे रामन में से जलने की बदबू आ रही है, हमें इस आग में तेल डालना चाहिए। अगर हम किसी तरह रामन के कलाकार को उकसाएं, तो वो जरूर कोई गलती करेगा और महाराज का स्नेह खो देगा और हमें इस दुष्ट रामन से छुटकारा मिल जाएगा। मैं सच कहती हूँ, अतकुरी मोला कमाल की कवयित्री है, रामन के दिन तो अब पूरे हो चुके हैं। रामन के दिन पूरे हो गए?
वो रावण से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली है, उसे बहुत ज्ञान भी है। और वो कौन है जो रावण से ज्यादा ज्ञानी है? वो तो रावण से ज्यादा ज्ञानी है। चलो अब अपनी सुंदर कविता सुनाओ बालिके। महाराज हा? मैं अपनी कविता पहले सुनाने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ। बड़ी ही अजीब इच्छा है रामन, लेकिन हम आज्ञा देते हैं। पढ़ो। धन्यवाद महाराज। ये कुम्हारों की कविता है। एक लड़की कविता सुनाती थी, अपने मटकों में ख्याली पुलाव पकाती थी। सोचती थी कि कविता में वो नहीं है कम, जब पहुंची दरबार में तो कर दिया सबके नाक में दम। ओ रामन, तुम बहुत ही मजाकी हो। अब अतकुरु की बारी। वो जा चुकी है महाराज। ओ क्यों, वो बुरा मान गई? जी महाराज, तेनाली रामन मोला से जलता है। उसने उसे नीचा दिखाने के लिए पहले कविता पढ़ी। क्या आप दरबार में ऐसा मनोरंजक चाहेंगे जो एक कन्या का अपमान करे? पता नहीं क्या कहूं। अच्छी चाल थी तेनाली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कहते हैं उसकी लिखी रामायण बहुत कमाल की है। मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। रामन बदतमीज है। ओ मौला, ये लो सोने का सिक्का, इसके बदले मुझे या तो पक्षी दे दो या फिर जानवर। ये कैसा रहेगा रामन? नहीं, ओ महान कवि, आप जो चाहें ले जाइए, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। तेनाली अतकुरी की सूझबूझ को देखकर दंग रह गए और उनकी ईर्ष्या गायब हो गई। तेनाली को अपनी माँ की याद आ गई, जो ऐसी ही सूझबूझ रखती थी। उन्हें याद आया कि बचपन में उन्होंने अपनी माँ को कितना सताया था। उन्हें वो आनंद, वो मजा और वो आजादी भी याद आई जो उन्हें कवि बनकर मिली। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम मेरी एक बात मानोगी? क्या बात है महान कवि? कृपया दरबार में लौट आओ और सबको अपनी रामायण सुनाओ। फिर तेनाली ने महाराज से अनुरोध किया कि वह अतकुरी को कविता पढ़ने का एक और मौका दे, और महाराज मान गए। तो इसे कविता पढ़ने का मौका मिल ही गया। जरूर राजगुरु जी, मैंने अपनी कविता लिख ली। सलाहकार बड़े में उत्तर दिशा में बहती गंगा, वहाँ पर था महान राज्य कोसला। इस कविता में कुछ खास नहीं है। वहाँ के रहने वालों का था बुलंद। हम ये कविता सुनकर क्या करेंगे? बीच में ना बोले, मुझे शांति से कविता सुनने दे। और अतकुरे मौला ने अपनी रामायण पढ़ी और उसे सुनने वाले सभी खुशी से झूम उठे। रामन, अतकुरी की रामायण के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें अब तक जलन हो रही है। मुझे जलन हुई थी महाराज, लेकिन अब मैं उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैं एक कलाकार हूँ, लेकिन वो एक विद्वान है। सही कहा। अतकुरी, हम तुम्हें इनाम भी देंगे और हर महीने सोने के सिक्के भी। अब से तुम कविताएं लिखती रहोगी और दरबार को रोजाना सुनाओगी भी। लेकिन महाराज, ये तो एक कुम्हारन है। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, बल्कि मैं इसी वक्त कविता सुनना चाहता हूँ। कौन सुनाएगा? सलाहकार बड़े महान, हमेशा बढ़ती रहेगी आपकी शान। आपके सामने मेरा क्या मोल, आप तो
से गोल मटो। मैं तो कहता हूँ आप पुरुष ही नहीं है, आप तो है इस तरह तेनाली ने ये बात मान ली कि अतुकुरी उनसे ज्यादा ज्ञानी और प्रतिभाशाली है। ओह, फिर